BMW 1150 GS जो कि बहुत पुरानी है, मतलब 2010 से भी पुरानी है। सब माई यूट्यूब फैमिली, सो दिस इज़ विकेट रेडल, वेलकम बैक टू माई चैनल। तो आज एक्चुअली मेरा छोटा सा काम पेंडिंग था जो कि अभी IBW जो राइड होने वाली है उससे रिलेटेड है। तो कुछ कुछ मॉड्स हैं, जैसे Z800 आप लोगों को नहीं पता तो मैं बता देता हूँ कि मैं जो अपनी महाराष्ट्र राइड कर रहा हूँ उसमें Z800 लेके जाने वाला हूँ। एंड आई हैव प्लान टू कवर सतारा, देन पुणे, लोनावला, लवासा, नवी मुंबई और इसके बीच में जो भी जगह पड़ेगी। जो फाइनल जो चीज़ रहेगी वो आप लोगों को मैं इंस्टाग्राम पे बताऊंगा। अगर इंस्टाग्राम पे नहीं फॉलो करते तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, मेरी इंस्टाग्राम आईडी है विकेट राइडर व्लॉग्स, तो जो भी स्टोरीज रहती है वहाँ पर आती रहती है। तो प्लान कुछ ऐसा है कि एक तो हेलमेट ख़रीदना है मेरे को, और उसके अलावा जो माउंट, फ़ोन माउंट रहता है वो ख़रीदना है, और छोटे मोटे मॉड्स देखने हैं जो भी Z800 के लिए अवेलेबल रहेंगे। काफ़ी सारे मॉड्स हैं जो पहले से ऑर्डर करने पड़ते हैं, अभी मतलब शॉप्स पे अवेलेबल नहीं रहते हैं। जो भी मॉड्स छोटा मोटा अवेलेबल रहेगा उसको लगा लेंगे, और उसके अलावा जो मॉड्स नहीं मिलता है उसको ऑर्डर कर देंगे। तो लेट्स सी, अभी काफ़ी दिनों बाद बेंगलोर का मौसम जो है वो खुला है, तो मतलब मैं एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूँ कि कितना मज़ा आ रहा है, क्योंकि बहुत टाइम से बारिश हो रही थी और मेरे को बिना बाइक राइड किए बिना मज़ा नहीं आता है। तो अभी यहाँ से हम लोग जाने वाले हैं डैनीसी और AGV का ऑफिशियल जो स्टोर है, वहाँ से AGV का हेलमेट का पता करेंगे। अगर मिलता है तो ठीक, नहीं तो फिर प्री ऑर्डर कर देंगे या फिर उनसे बोलेंगे मंगा लें, क्योंकि पता नहीं रहता है कौन सा साइज़ आएगा। आई थिंक सो चेक करना पड़ेगा। तो होपफुली जो AGV के सारे मॉडल्स हैं उसमें जो साइज़ चार्ट रहता है वो तो सेम ही रहेगा, और उसके अलावा देखेंगे और भी कुछ पसंद आता है। एग्जॉस्ट का जहाँ तक मैंने आप लोगों को अपडेट किया था, एक मैं देख रहा हूँ SC का एग्जॉस्ट और एक है एक्रापोविक, तो लॉन्ग बैरल ही देख रहा हूँ क्योंकि उसमें यह है कि साउंड लाउड आता है, और काफ़ी दूर तक अगर आप लॉन्ग राइड भी कर रहे हो, जैसे कि मैं यूजुअली लॉन्ग राइड करता हूँ, शॉर्ट राइड प्रेफर नहीं करता हूँ, मतलब ब्रेकफास्ट राइड चलता है क्योंकि वो भी चीज़ बहुत ज़रूरी रहती है, ब्रेकफास्ट राइड भी करता रहता हूँ, बट मेनली ये रहता है कि मैं लॉन्ग राइड करूँगा। तो उसके चक्कर में मेरे को एग्जॉस्ट कुछ ऐसा देखना पड़ेगा विच विल बी कम्फर्टेबल फॉर लॉन्ग राइड्स। तो SC और एक्रा में से कोई सा एक सेलेक्ट करना है मेरे को। SC का मेरे को साउंड पसंद आया विच इज़ लाउड इनफ, और उसके अलावा एक्रापोविक का मेरे को नहीं पता है, अगर किसी को पता है देन यू कैन डेफिनेटली कमेंट आउट। और इधर से राइट चले जाते हैं तो वो वाला पड़ जाता है UB City मॉल, और इधर पे है BMW का शोरूम थोड़ा सा आगे जाके। ये है AGV और डैनीसी का ऑफिशियल स्टोर, बाइक यहाँ पे खड़ी कर देते हैं। जगह कहाँ पे है? सो गाइस, अभी हम लोग क्या है, थोड़ा सा राइडिंग जैकेट्स और हेलमेट देखने आए थे, बट हेलमेट में मैंने एक्चुअली देखा ये AGV का एक ही ऑप्शन अवेलेबल है, बिकॉज अभी इंडिया में जो डॉट सर्टिफाइड है और वो सारा चीज़ बंद हो चुका है, एंड दिस इज़ द डिफेक्टिव वन, तो ऑब्वियसली ये वाला तो नहीं खरीदेंगे। आई वॉज लुकिंग फॉर K5 बट दे डोंट हैव एज सच, और डैनीसी के मैंने जैकेट ट्राई किए और इसमें से एक ये वाला अच्छा है, बट आई एम लिटिल बिट बल्कियर, तो इसमें से कोई सा भी बिल्कुल परफेक्ट फिट वाला नहीं आ पा रहा है मेरे को। उसके अलावा ये अच्छा लगा, बट आई डोंट थिंक सो दैट दे हैव 2XL इन दिस वन। आपके पास 2XL वाला है क्या? इसमें नहीं है। दिस इज़ BMW 1150 GS जो कि बहुत पुरानी है, मतलब 2010 से भी पुरानी है, इस वाले नंबर से पता लग जाएगा कब की है। सो दे हैव दिस बाइक विद द बॉक्सर इंजन जो कि पहले डिज़ाइन हुआ था, बहुत ब्यूटीफुल है बाइक, मतलब अच्छी है, काफ़ी टाइम पहले आई थी। हाँ, ये वाले सूट में तो हम ना समा रहे क्योंकि ये तो बहुत ज़्यादा
मतलब लीन बॉडी के लिए है, एंड मेरा लीन बॉडी नहीं है। AGV के कुछ मॉडल्स अवेलेबल हैं यहाँ पे, विच इज़ दिस वन। सो गाइज, अभी अपने को जो AGV का हेलमेट है वो तो नहीं मिला, एंड इवन जो डैनीजी का राइडिंग जैकेट था वो भी कुछ खास फिटिंग बना नहीं। तो अभी हम लोग जा रहे हैं बिग बियर कस्टम, जो कि यहाँ पे एक और शॉप है, वहाँ पे जाके देखूँगा कि अल्पाइन स्टार का अगर कुछ आता है तो बेटर है। नहीं, चलो आज का एक काम अच्छा हो गया, अपने को थंबनेल मिल गया। तो अभी हुआ कैसा कि पुलिस वाले ने रोक लिया, एंड अपना जो नंबर प्लेट है एक्चुअली वो आगे पेस्ट हो रखा है, सो विच इज़ नॉट अलाउड, आई नो। तो उसके लिए तो JC रोड जाना ही था, बट अनफॉर्चुनेटली वहीं पे रोक लिया। तो मैंने उनको समझाया मतलब कि ऑब्वियसली जब शॉप में नहीं जाऊँगा तो मैं उधर नंबर प्लेट कैसे लगाऊँगा। तो वैसा कुछ सीन है यहाँ पे लगे, और बारिश वाले बादल फिर से बन रहे हैं। सो गाइस, राइट नाउ आई एम इन बिग बियर कस्टम। तो अभी मेरे को जो फाइनल है ये वाला जैकेट पसंद आया, विच इज़ फ्रॉम अल्पाइन स्टार। काफ़ी अच्छा जैकेट है, एंड इसमें भी पूरा साइड में एल्बो और शोल्डर सपोर्ट है। उसके अलावा एक ये वाला जैकेट है, इसमें ये भी अच्छा लगा, बट इट वॉज़ नॉट दैट मच कम्फर्टेबल वाइल वेयरिंग। तो इसलिए सजेस्टेड ये रहेगा कि जब भी राइडिंग जैकेट खरीदने आते हो तो खरीदो, मतलब ट्राई करो पहले, उसके बाद खरीदो। उसके अलावा बाकी ये सारे ऑप्शन है यहाँ पे अल्पाइन स्टार के, जिसमें कि मेरे को उतना ज़्यादा कुछ खास अच्छा नहीं लगा, एंड जो अभी मैंने ख़रीदा वो ये वाला है बेसिकली, अच्छा है। तो अभी यहाँ से ये वाला बाई करते हैं, देन उसके बाद में निकलते हैं। हेलमेट्स का भी ये सीन आ रहा है कि हेलमेट्स अभी अवेलेबल नहीं है, क्योंकि जो ISI मार्क हैं अभी हेलमेट वही इंपोर्ट हो रहे हैं इंडिया के लिए, सो एक ये प्रॉब्लम है। तो हेलमेट देखेंगे कभी बाद में लेंगे, अभी यहाँ से ये बाई करके निकलते हैं। ऑलराइट गाइस, तो अभी अपना जो शॉपिंग है फाइनली हो चुका है। एक्चुअली पहने कुछ और आते हैं बट लेके कुछ और चले जाते हैं, तो हर बार ऐसा होता है। बट अल्पाइन स्टार का एक जैकेट पसंद आ गया, सो आई बॉट दैट वन। और महाराष्ट्र राइड के लिए थोड़ी थोड़ी चीज़ें प्लान करनी है, आई थिंक सो मोस्टली जो चीज़ें हैं वो ऑनलाइन ऑर्डर करके अपने को पहुँच जाएगी। तो ओवरऑल जो है आज का मतलब व्लॉग पूरा भीगा भागा हो गया, क्योंकि बारिश हो गया बहुत तेज़ अचानक से, और कैसे करके रुक के मतलब भीग भाग के शॉप पे पहुँचे और थोड़ी देर वहीं बैठे रहे। अभी तो पूरा जो जैकेट वैकेट मैंने पहना वो सारा गीला है। अगली राइड से आप लोगों को नया वाला जो जैकेट है वो देखने को मिल जाएगा। और ये एज़ यूजुअल बैंगलोर का ट्रैफिक गंदे वाला, आधा घंटा हो गया मैं इसी ट्रैफिक में फंसा हुआ हूँ, क्या ब्लॉक करके बताएंगे भाई। दिस इज़ द मेन रीज़न मैं बैंगलोर के अंदर ज़्यादा नहीं आता हूँ, जब कभी बहुत ज़्यादा अर्जेंट काम होता है तब आता हूँ। तो अभी अपन लोग ट्रैफिक से फाइनली निकल चुके, और टाइम हो गया 7:22, और काफ़ी ज़्यादा एक्चुअली टाइम लग गया एनीवेज। और आज का जो मैंने अल्पाइन स्टार का जैकेट लिया, दैट इज़ अल्पाइन स्टार ड्यूरंगो, विच इज़ एयर जैकेट। तो ओवरऑल क्वालिटी काफ़ी अच्छा है, एंड कंफर्टेबल फील था। तो राइडिंग जैकेट जब भी खरीदो मैं सजेस्ट यही करूँगा कि शॉप पे जाके देख लो, क्योंकि पता नहीं चलता कौन सी ब्रांड का परफेक्ट साइज़ आ जाए। दैट इज़ ऑलवेज बेटर टू लाइक चेक इट वंस फिजिकली पहन के। तो अभी महाराष्ट्र राइड की और भी कुछ कुछ चीज़ें हैं जो अभी पेंडिंग है, तो वो भी चीज़ें आप लोगों को जल्दी पता लग जाएगी। स्टे ट्यून्ड, एंड इंस्टाग्राम पे जो भी है मेरे को फॉलो कर सकते हो, विच इज़ विकेट राइडर ब्लॉग। आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। दिस इज़ योर विकेट राइडर, सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग, टेक केयर, बाय बाय।